स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या है यूरोपियन यूनियन हम कर चुके हैं आसियान कर चुके हैं साक कर चुके हैं ब्रिक्स रहता है वो एडेड टॉपिक्स में आएगा इस वीडियो में नेशंस में रशिया एडेड टॉपिक है चाइना हम कर चुके हैं इजराइल एडेड टॉपिक है एंड इंडिया एडेड टॉपिक है सो दीस फोर एडेड टॉपिक्स आज हम इनको करेंगे इस वीडियो में इन वन शॉट आल्सो इफ यू हैवंट वॉच्ड माय एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दीस टॉपिक्स गो एंड वॉच इट नाउ द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो पूरा चैप्टर विद इन थर्टी मिनट कवर्ड है आई थिंक दो पार्ट में है यू कैन गो एंड चेक इट आउट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदेड टॉपिक बहुत आसानी से करेंगे वो भी सीबीएसई के प्रोवाइडेड ऑफिशियल मटीरियल से लेट्स गेट स्टार्टेड दियर लर्नर्स अब आपको सीयू सेट की प्रेपरेशन में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अन अकेडमी लॉन्च कर रहा है सीयू सेट के क्रैश कोर्सेज जी हाँ ट्वेंटी थर्ड फेब से सी यू सेट एग्जाम के पार्ट ए के लिए एंड पार्ट बी का बैच ट्वेंटी फेब को लॉन्च किया जाएगा बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस लाइव टेस्ट क्विजेज मॉक टेस्ट एक्सेट्रा सब मिलेंगे इतना ही नहीं लाइव पोल्स से आपको कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेजर हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट्स भी पूछ सकते हैं आप पास एक और मौका है बिगेस्ट टेस्ट देने का। क्लास 7th 12th, IIT and -UG के ये वन का के ये फ्री मॉक टेस्ट ट्वेंटी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक आईफोन्स एमेजोन एक्ो जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीतने का डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंडियो एनालिसिस भी अवेलेबल होगा रैंक एंड अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थर्टी मिनट का प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर आफ्टर दिस वीडियो गो एंड डिस्कस दी बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम एंड अन्य फीचर्स विद ये कोड पूर्वा ट्वेंटी ट्वेंटी टू यूज कर सकते हैं टू अनलॉक फोर फ्री ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेन परसेंट ऑफ पर सभी टॉपिक so तो पूरा जो आपको कंटेंट दिख रहा है दिस इज प्रोवाइडेड बाई सी बी एंड इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी स्टार्टिंग विद ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है ये जो ब्रिक्स टर्म है ये ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है यानी कि बी से ब्राजील हमारा आर से रशिया आई से इंडिया सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका इन सब के नेम को मिक्स करके इनिशियल्स को ब्रिक्स बोला गया है क्लियर है अच्छा जी तो शुरुआत कैसे हुई थी ब्रिक फाउंड किया गया था 2006 में रशिया में तो इनिशियली एस नहीं था Clear है ब्रिक था सिर्फ उसके बाद 2009 में हमारा साउथ अफ्रीका इंक्लूड हो गया फिर एस आ गया तो यहां पे 2006 पहले ब्रिक था फिर 2009 में साउथ अफ्रीका भी आ गया एंड इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं ब्रिक्स क्लियर है आगे देखिए की ऑब्जेक्टिव क्या है कॉपरेशन आपस में कॉपरेट करना फ्रेंडली रिलेशंस रखना डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स सारी कंट्रीज को इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियली फायदा हो बेनिफिट्स हो अमंग इट्स बिसाइड्स और क्या ना हो नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ठीक है भैया अपना हम इकोनॉमिक बेनिफिट uh, तक ही रहेंगे आगे आप मेरी कंट्री में घुस नहीं सकते नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज मेरी कंट्री के अंदर जो चल रहा है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है

क्लियर है सो वी आर डन विद ब्रिक्स आगे चलते हैं कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दिच इज रशिया अच्छा जी अब ये पूरा एरिया है हमारा रशिया क्लियर है अब थोड़ा सा हम कोल्ड वॉर वाले चैप्टर से कनेक्ट करेंगे इसको पढ़ने के लिए रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो पहले था फिर वो डिसइंटीग्रेट हुआ राइट right? कब हुआ 1990 में या 1991 में उसके बाद रशिया क्या बन गया उसका स्ट्रोंग सक्सेसर बन गया रशिया अब मेन कैरेक्टर उभर के आया और यूएसएसआर ने उसी को अपना अडॉप्ट कर लिया बच्चा बना लिया और अब आगे रशिया के थ्रू ही उसकी पीढ़ी चलती आ रही है क्लियर है चलिए नेक्स्ट रशिया जी डी कितनी है इलेवेंथ इन द वर्ल्ड क्लियर है रैंक है ये रशिया हैज ऑफ मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट मेक इट अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट ये तो हम सबको पता है कैसे भैया कोल्ड वॉर से क्योंकि वो एक कौन सी वॉर थी न्यूक्लियर वॉर थी राइट right? दोनों ही आर्म्स रेस में लग गए थे दैट इज वाय रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विथ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी कि न्यूक्लियर वेपन क्लियर है और क्या है रशिया सबसे बड़ी बात रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यू एन एस सी पी फाइव यानी कि परमानेंट फाइव जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बाकी चार परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं सो दिस वाज इट अबाउट रशिया अब हम आगे चलते हैं कमिंग ऑन टू इंडिया भारत हमारा देश हमें बहुत प्यार है इससे और हमें ऑलरेडी पता है इसका मैप एंड एवरी बट पढ़ लेते हैं सीबीएसई ने क्या प्रोवाइड किया है ट्वेंटी फर्स्ट क्या है ये जो हमारा चल 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 रहा है. 2022 चल रहा है अभी, 21st century चल रही है है 2022 अभी रही इंडिया इज बींग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर हम उभरते हुए एक पावर आ रहे हैं द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे हर चीज में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमारा ग्लोबली कल्चरली एवरीथिंग, द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद पॉपुलेशन कितनी संख्या है 135 करोड़ करोर्स या फिर 1.3 बिलियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव हमारी इकोनॉमी कैसी है क्या गोल है हमारा डॉलर फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना ह्यूज कॉम्पिटिटिव मार्केट है एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर है विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब इंडियन डायस्पोरा का क्या मतलब है भैया इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर दूसरी कंट्रीज में सेटल होके काम कर रहे हैं दैट इज नोन एज इंडियन डायस्पोरा जैसे यूएस में जो इंडियन पीपल हैं, वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां इकोनॉमी को दैट इज द इंडियन डायस्पोरा कितना है 200 मिलियन क्लियर है ठीक है इससे क्या पता चलता है दैट इंडिया इज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अब देखिए स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से क्या है मिलिट्री पावर जो इंडिया की है वो सेल्फ सफिशिएंट है हमें किसी की जरूरत नहीं है हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है जो हम हर बार 26 जनवरी को टीवी पे देखते हैं पूरा डिस्प्ले होता है है ना बढ़िया आगे देखिए मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में लिख देंगे कि भैया अब अ uh, ये जो एक इनिशिएटिव है बाय द इंडियन गवर्नमेंट वी वील प्रोड्यूस इन इंडिया राइट उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे आत्मनिर्भर बनाएंगे ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी में साइंस में इट अनदर माइलस्टोन फॉर द इंडियन इकोनॉमी ऑल दिस चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन चेंटेंट सेंटर ऑफ पावर चैप्टर का नाम क्या है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या फिर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इसीलिए बार बार सेंटर ऑफ पावर सेंटर ऑफ पावर बोला जा रहा है क्लियर है दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे अब आते हैं इसराइल पे अच्छा जी अभी इस्रेल कहाँ पे है भैया अब इजराइल या इस्रेल जो भी आप इसे कहो ये देखिए ये छोटा सा ये एरिया है इस्रेल ठीक है इस्रेल एक कंट्री है जो कि इजिप्ट यहाँ अफ्रीका में जो इजिप्ट कंट्री है यहाँ पे और इधर पास में छोटी सी कंट्री है जॉर्डन उसके बीच में आता है ठीक है तो हमारा इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में आता है इस्रेल है, लेकिन क्या इज़राइल अफ्रीका में है नहीं, इधर ये जो ईस्ट कंट्रीज है, है? वहीं पे इज़राइल है, तो है, है। चलिए देखते हैं शोन ऑन वर्ल्ड मैप पॉइंटर बहुत छोटा है तो एकदम पॉइंट दिखता है हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन दी फर्स्ट सेंचुरी किस चीजों में भैया साइंस में टेक्नोलॉजी में डिफेंस में इंटेलिजेंस में एंड इकोनॉमी में तो है ही है क्लियर है ये सारी बातें आपको आई होप समझ आ गई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है हाईलाइटेड की वर्ड्स हैं जो आप आंसर में लिख के आएंगे क्लियर है सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताया टू द न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक पावरफुल नेशन uh, क्यों है भैया क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन है डिफेंस की पावर है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है पढ़ा हमने अभी राइट यहाँ पे डिफेंस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी साइंस राइट आगे देखिए सबसे सबसे मेन पॉइंट है ये आप लिख के ही लिख के आएंगे अगर इसल की बात होती है सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ इजरेल सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी मुश्किल सिचुएशन में भी अपना फुल हंड्रेड परसेंट देंगे सस्टेन करेंगे चाहे समय कितना भी खराब हो सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी एडवर्सिटी का मतलब होता है मतलब जैसे बुरा टाइम एक डिफिकल्ट सिचुएशन और सस्टेन करने का मतलब होता है आप उससे गो थ्रू कर रहे हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं राइट ठीक है और नेक्स्ट जो हाईलाइटेड की वर्ड है वो है ज्यूइश जियोनिस्ट नेशन इसका मतलब क्या है इज़राइल एक ज्यूइश नेशन है जहाँ पे जियज फॉलो होता है जो जो कि एक रिलीजन है क्लियर है और ये जियोनिस्ट का मतलब क्या है जियोनिस्ट का मतलब ज्यूइश ही होता है जियोनिस्ट वॉज द मूवमेंट जिसकी वजह से इसल एक ज्यूश नेशन बना तो इट्स वन एंड द सेम थिंग ज्यूश जियोनिस्ट नेशन दैट इज इसल इज प्लेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर अब इसका क्या मतलब है भैया इसरेल एक ऐसी कंट्री है जो पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो है ही है बट वो किससे डोमिनेट होती है ये वाली कंट्रीज से जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं और ये किससे डोमिनेटेड है अरब से राइट अरेबिक कंट्रीज हैं ये अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स से पर्टिकुलरली इजराइल वहां पे लोकेटेड है क्लियर है सो दिस वाज इट अबाउट इजराइल वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 3 इफ यू हैवंट वॉच द वीडियोस विद फुल एक्सप्लेनेशन द लिंक इज इन द description box below you can go and check it out so guys that was it for today's video i will be coming up with other additional topics from other chapters you can also get the link for all other chapters of your term 2 political science playlist is in the description box below go and check it out you are at humanities happy learning i'll see you in the next video